नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉकनेस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटर ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो कैंप्स। कैंप्स शेयर के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस समझेंगे यहाँ से इस चार्ट में, इस शेयर में क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सभी तरह की पॉसिबिलिटी को हम लोग इस चार्ट पर समझेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के बहुत से सवाल थे, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस शेयर के बारे में पूछा था, तो तभी आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की और फंडामेंटल एनालिसिस की। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों तक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। यहाँ पर नज़र आएगा हमें कि फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी है। और चलिए समझते हैं, कैम्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी एंगेज करती है फाइनेंशियल एंड म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र सर्विस में। इट्स बिजनेस इज इंक्लूड, ये मतलब कि जो अपना डील करती है फाइनेंशियल एंड म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र सर्विस में करती है। और बिजनेस इंक्लूड इन म्यूचुअल फंड्स, इलेक्ट्रिकल पेमेंट, कोलेट्रल कलेक्शंस, इंश्योरेंस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल में वो करती है, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप लोग भी इसका यूज़ करते होंगे अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने में। काफ़ी हेल्पफुल ऐप है ये, इसकी ऐप भी उपलब्ध है। और कंपनी फाउंड हुई थी 1998 में 25 मई को, और ये कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और अब हमें इसके बारे में एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड को हम बड़े अच्छे से बड़े आराम से समझ सकते हैं, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि शेयर के पैटर्न क्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए शेयर बार बार नए लो बना रहा है और नए लो बनाते बनाते शेयर यहाँ तक पहुँच गया था। इसे हम येल्लो कलर से दिखा देता हूँ, देखिए तो मतलब यहाँ लो टूटे और हाई नहीं टूट रहे हैं, ये है एक डाउन ट्रेंड की पहचान। लेकिन उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर बदलाव आता है और ये जो पैटर्न है यहाँ से देखिए नए लो बनने बंद हो गए हैं और अब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर नई फॉर्मेशन हो रही थी तभी अचानक से शेयर नीचे आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ चेंजेस ये हुआ, लो बनने बंद हो गए हैं, हाई नहीं बन रहे लेकिन लो भी नहीं बन रहे, पहले हाई बन रहे थे, दो हाई बनाए उसके बाद यहाँ लो बनने बंद हो गए। तो अब क्या होगा, कुछ तो बदलाव आया शेयर में, तो ये बदलाव को हमें भांपना है और सही समय पर हमें अपने शेयर में एक सही डिसीजन लेना है। साथ साथ हमें ट्रेंड समझ लिया, ट्रेंड में कुछ ना कुछ फेरबदल हो रही है, साथ साथ हमें ये भी देखना है यहाँ पर कि ये शेयर एक पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, ये हो गया फ्लैग और ये रहा पोल। ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसको हमें देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। होता यही है, देखिए नीचे की तरफ तोड़ सकता है शेयर, लेकिन इसमें ये भी होता है अगर जैसे फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पर टूटी हुई नजर आ गई रही तो हम ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं और नीचे टूटेगी तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल के लिए अभी तैयार लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये रेंज टूटती नहीं है तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। मतलब क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना होता, जो चीज़ दिख रही होती है उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है और पल भर में आप लोग मतलब जैसी सिचुएशन होगी वैसे डिसीजन लेंगे आप लोग। ठीक है, तो डिसीजन तो अभी लग रहा है जब तक ये रेंज नहीं टूटती, आप लोग इसे चार्ट पर बना सकते हैं, अपने चार्ट बनाइए ताकि आप लोग सही डिसीजन ले सकें सही समय पर। ठीक है, तो ये देखिए ये रेंज है, इस रेंज तक आप लोगों को इंतजार करना होगा, सेलिंग करनी है जिस दोस्त को। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस, अगर थोड़े दिन बाद ये फिर से संभल के ऊपर आ जाता है तो हम ऊपर की तरफ, नया बाय जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। चलिए 400 डे मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं, 400 डे मूविंग एवरेज अभी प्लॉट नहीं हुआ है इतना, यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे है तो अभी हम इसे डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर कर रहे थे, वैसे भी तो डाउन ट्रेंड में ही है अभी क्योंकि नीचे आ गई थी ये, अगर यहीं से लो बना के ऊपर जाता तो अप ट्रेंड में आ सकता था। देखिए यहाँ पर एक बार ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया था लेकिन अभी नीचे है। तो दोस्तों व्यू आपको
चार्ट के हिसाब से बनाना होगा, ना कि अपने मन के हिसाब से। मन के कहने से मत चलिएगा, चार्ट के कहने चलेगा तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब चलिए फाइनेंस पर चलते हैं, कितना अर्निंग करती है कंपनी ने। बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, लेकिन अर्निंग क्या है? अर्निंग देखिए, टोटल रेवेन्यू जनरेट जो किया था 238 करोड़ कराया था, वो भी एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट है। 229 किया था, 233 किया था, 229 किया था, इसी लपेट में है। कोई ज़्यादा बढ़िया रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, मार्जिन बहुत बढ़िया है, 44% के नेट प्रॉफिट भी चलते हैं। तो 238 करोड़ में से 59 करोड़ पर नेट प्रॉफिट कमाया, और टैक्स से पहले इतना 96 था। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल उसी में है, कुछ मतलब नया नहीं हो रहा है शेयर में। मतलब कि जितने लोग म्यूचुअल फंड बाय करेंगे तो सर लोगों को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये बात अच्छी कि नुकसान में नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ क्या आ रही, क्या आ रही है, कुछ मत सोचिए दोस्तों। न्यूज़ तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते, जब न्यूज़ हम तक आती है तब उसका कबाड़ा हो चुका होता है, मतलब सब लोग प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं, हम तक तब न्यूज़ पहुँचती है। तो इसलिए न्यूज़ वगैरह के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, फ्लैग पैटर्न इसको ध्यान रखिएगा, अपने चार्ट पे बनाइएगा, और यहाँ पर चार्ट के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, किसी के हिसाब से मत लीजिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए और यहाँ पर लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग आपकी खुद शुरू हो जाएगी। तो लर्न करने के लिए दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग मौजूद हैं। हमने आपके लिए काफ़ी सारे कोर्स बनाए हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जाके सीखिए उनसे, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, बेसिक स्टॉक मार्केट सीखिए, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको हमारे लिए बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों ये कोर्स काफ़ी महंगे महंगे, लेकिन आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। फ्री की चीज़ की वैल्यू कीजिए और इससे सीखकर आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी लर्निंग जर्नी को छोटा करना, जल्दी से सीखना, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो आप लोगों को एक ग्रुप बनाना होगा जिसमें आप लोगों के अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना होगा, और साथ में ट्रेडिंग करनी होगी, उनके साथ सीखना होगा, उनके साथ डिस्कस करना होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछेगा। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे गलती सीखकर जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, ताकि सब आप लोग साथ में सीखकर आगे बढ़ सकें। किसी और शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए आपकी स्क्रीन में दोनों प्लेलिस्ट मौजूद, जल्दी जल्दी जाइए, टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, बेसिक स्टॉक मार्केट शुरू करेंगे ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए, फाउंडेशन मजबूत हो जाए, और आप अपनी करियर की इमारत को ऊंचा खड़ा कर सकें। तो चलिए अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक ले दोस्तों बाय बाय।